नमस्ते भारत, आपके साथ मैं हूँ प्रतिमा मिश्रा। गुड मॉर्निंग नमस्ते भारत, साथ आपके मैं हूँ कुमकुम बिनवाल। इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं सुबह 8 बजे की बुलेटिन की शुरुआत। देश के सबसे बड़े मुद्दे यानी टूलकिट गैंग में बड़ी खबर यह है कि इस गैंग के सातवें किरदार का नाम सामने आने लगा है। लगातार किरदारों के नाम जिस तरह से सामने आ रहे हैं उसमें यह नाम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह सातवां नाम है अनीता लाल का। अनीता लाल कनाडा के वैंकूवर की रहने वाली बताई जा रही है, यानी कि यहां भी इंटरनेशनल साजिश हो सकती है। प्रोटिव जस्टिस फाउंडेशन चलाने वाले खालिस्तानी समर्थक मो धारीवाल की साथी अनीता खालिस्तानी एजेंडे से लेकर उनके कारोबार तक के साथी बताई जा रही हैं। यानी कि ना सिर्फ उनके जो खालिस्तानी एजेंडा था मो धारीवाल का, बल्कि उनके बिजनेस में भी उनकी साथी रही हैं। कनाडा के वैंकूवर में रहती हैं अनीता लाल। इस वक्त की बड़ी खबर, इस पूरे मामले में ये सातवां नाम है जो साजिशकर्ता के तौर पर सामने आया है अनीता लाल का। अनीता लाल कनाडा के वैंकूवर की रहने वाली बताई जा रही हैं। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन चलाने वाले खालिस्तानी समर्थक मो धारीवाल की ये साथी हैं, ना सिर्फ उनके खालिस्तानी एजेंडे में बल्कि उनके बिजनेस में भी। किड गैंग के सातवें नाम का खुलासा, कनाडा वाली लाल से जुड़े हैं साजिश के तार। टूल किट गैंग में अब तक 6 नामों के खुलासे हो चुके हैं। इसमें पहला नाम है पीटर फैड्रिक का, दूसरा मो धालीवाल का। इसके अलावा साजिश के स्क्रिप्ट तैयार करने में निकिता जैकब, शांतनु मुलुक और दिशा रवि के सीधे तौर पर शामिल होने के सबूत भी मिल रहे हैं। इन सब के अलावा खालिस्तान आतंकी भजन सिंह भिंडर से भी साजिश के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। अब इन सारे साजिशकर्ताओं के साथ जांच में एक नया नाम सामने आ रहा है, अनीता लाल का। कनाडा के वैंकूवर में रहने वाली अनीता लाल पोएटिक जस्टिस वाले मो धालीवाल के साथी हैं। वो कारोबार से लेकर खालिस्तानी एजेंडे तक सब में भागीदार मानी जाती है। अनीता लाल खालिस्तानी समर्थक पोएटिक जस्टिस संस्था की सह संस्थापक है, साथ ही वो इस संस्था की कार्यकारी निदेशक भी है। माना जाता है कि अनीता लाल ही खालिस्तानी समर्थक मो धालीवाल के मुख्य एडवाइजर है। अनीता लाल के ट्विटर अकाउंट को देखें तो अनीता लाल किसान आंदोलन और भारत के खिलाफ चल रहे हैशटैग का इस्तेमाल लगातार कर रही हैं। जांच में सामने आया है कि अनीता लाल के नाम का भी टूलकिट में जिक्र है। मो धालीवाल के साथ टूलकिट गैंग की हुई जूम मीटिंग में भी अनीता लाल के शामिल होने की बात आ रही है। दिल्ली पुलिस इस तथ्य की जांच कर रही है। मो धालीवाल के साथ मिलकर अनीता लाल किसान आंदोलन के बहाने विदेशों में भारत को बदनाम करने के लिए एक वेबसाइट आस्क इंडिया वाई भी चला रही हैं। जब खालिस्तानी समर्थित पोएटिक जस्टिस संस्था पर टूलकिट साजिश में शामिल होने के आरोप लगे तो इस संस्था ने जो बयान जारी किया उसमें मो धालीवाल के ऊपर अनीता लाल का नाम लिखा था। अनीता लाल को कैंपेन चलाने में माहिर माना जाता है और कैंपेनिंग और मार्केटिंग में उसे करीब 1.5 दशक का अनुभव भी है। पोएटिक जस्टिस संस्था के जरिए अनीता लाल ने ही अक्टूबर 2020 में खालिस्तान पर एक वेबिनार आयोजित किया था। मो धालीवाल ने फेसबुक पर खुद को साफ साफ खालिस्तानी घोषित किया है। अनीता को मो धालीवाल का बेहद करीबी सहयोगी माना जाता है। ऐसे में मो धालीवाल के साथ साथ अनीता भी कनाडा में रहकर लगातार मोदी सरकार के बहाने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने की कोशिशों में जुटी है। ABP News आपको रखे आगे।